हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। अगर आप इस वीडियो पर आए हैं तो ज़रूर आपने मेरा लाइट बोर्ड लेक्चर वाला वीडियो ज़रूर देखा होगा, तभी आपको कुछ इनमें से प्रॉब्लम्स आ रहे होंगे और आप उनका सॉल्यूशंस जानना चाहते हैं। तो अगर आपने लाइट बोर्ड लेक्चर का वीडियो नहीं देखा है कि मैं अपने लेक्चर्स कैसे शूट करता हूँ इस तरह की टेक्नोलॉजी को यूज़ करके, बहुत अच्छा लगता है, इनोवेटिव है, तो उस वीडियो को जाकर ज़रूर देखिए, बहुत अच्छा लगेगा आपको। चलिए अभी बात करते हैं कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस या फिर प्रॉब्लम्स जो कि आपको लाइट बोर्ड में आ रही हैं, फेस करने को मिल रही हैं, तो उन प्रॉब्लम्स को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले मेरे पास में बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर हम स्मार्टफोन को यूज़ करके लेक्चर शूट करें या फिर DSLR से, तो लाइट बोर्ड के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा कौन सा रहेगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप DSLR से कोई भी लेक्चर शूट करना चाहते हैं लाइट बोर्ड के ऊपर, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपने सीधा DSLR परचेज़ किया और जो कंपनी ने लेंस दिया है उससे आपने लेक्चर शूट करने स्टार्ट कर दिए। अगर आपके पास में DSLR है तो आपको ज़रूरत पड़ेगी एक 50mm प्राइम लेंस की। 50mm प्राइम लेंस को यूज़ करके ही आप जो है इस तरह के लेक्चर शूट कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपकी लाइटनिंग कंडीशन, जो आपके फेस पे लाइट पड़ती है ये सब, और आपके ऊपर जो लाइट का फोकस है वो, और पीछे जो इन्फिनिटी ब्लैक है वो कुछ भी प्रॉपर नज़र नहीं आएगा। तो 50mm लेंस आपके पास में होना चाहिए, तभी आप DSLR को यूज़ करके लेक्चर शूट कर सकते हैं लाइट बोर्ड पर, अदरवाइज़ बहुत बेकार कंडीशन आपको नज़र आएगी। स्मार्टफोन को मैं इसलिए रिकमेंड करता हूँ क्योंकि स्मार्टफोन में आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको कैमरा खोलेंगे, ओपन कैमरा ऐप है, ओपन कैमरा से आप बहुत ईजीली सारे सेटिंग्स कंट्रोल कर सकते हैं लेक्चर शूट करने के लिए। अगर आपको ओपन कैमरा यूज़ करने में प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कि आपको एक्सपोजर सेट करने में प्रॉब्लम आ रही है, या फिर आपको फोकस सेट करने में प्रॉब्लम आ रही है, या फिर आपको जो है अभी बताऊंगा फ्लिप टेक्स्ट के बारे में, तो इन सब चीज़ों के अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपको ये सब चीज़ें सिखा दी जाएंगी। कॉन्टैक्ट डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगी। चलिए नेक्स्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन या फिर बहुत से लोगों की क्वेरीज थी कि सर क्या हम इसमें नॉर्मल विंडो ग्लास यूज़ कर सकते हैं लाइट बोर्ड के लिए। तो नॉर्मल विंडो ग्लास के लिए देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप नॉर्मल विंडो ग्लास यूज़ करें लाइट बोर्ड के लिए। नॉर्मल विंडो ग्लास की ट्रांसपेरेंसी बहुत कम होती है या फिर उसमें ग्रीनिश या ब्लूइश टोन बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से जो है आपके जो ये टेक्स्ट लिखा हुआ है इसकी विजिबिलिटी बहुत कम हो जाएगी और बिल्कुल भी जो है अच्छा नहीं लगेगा, आपका लेक्चर बिल्कुल भी प्रोफेशनल नहीं लगेगा। तो विंडो ग्लास तो मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा। जो ग्लास यूज़ किया जाता है उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा क्लियर या फिर स्टार फायर ग्लास बोला जाता है, या फिर उसी को कहते हैं एक्स्ट्रा क्लियर ग्लास। ओके, तो इसी को यूज़ करें आप अगर आप इस तरह के लेक्चर वीडियो शूट करना चाहते हैं। उसके बाद अगला जो है प्रॉब्लम, बहुत सारे लोगों के कमेंट आए थे कि फ्लिप टेक्स्ट, यानी कि सर जो भी हम कुछ लिखते हैं वो हमें उल्टा नज़र आता है जब वीडियो बन जाती है, हम उससे बहुत परेशान हैं, उसको कैसे ठीक करें, वो तो वीडियो बेकार हो जाएगी अगर टेक्स्ट उल्टा नज़र आएगा। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने ये भी लिखा था कि मैं जो ये कुछ लिख रहा हूँ बोर्ड के ऊपर, ये मैं उल्टा, मैंने प्रैक्टिस की है उसको उल्टा लिखने की ताकि वो कैमरे में सीधा नज़र आए। तो भाई ऐसा नहीं है, मैं सीधा ही लिखता हूँ और मैं सीधे हाथ का यूज़ करके लिखता हूँ, वीडियो को फ्लिप करने के बाद में वो उल्टा नज़र आता है, मेरा हाथ लेफ्ट हैंड नज़र आता है, हालांकि मैं सीधे हाथ से लिखता हूँ और उल्टा लिखा हुआ टेक्स्ट सीधा नज़र आता है। तो वो पार्ट है एडिटिंग का, एडिटिंग का पार्ट है, जो एडिटिंग अगर आपको लाइट बोर्ड के लेक्चर्स को किस तरह एडिट करना है प्लस उनमें एनिमेशन कैसे यूज़ करते हैं, कुछ लोगों के ये भी बहुत सारे कमेंट थे। तो एडिटिंग वाला पार्ट यानी कि आपको कैसे शूट करना है, ओपन कैमरे को यूज़ करना वाला पार्ट, एनिमेशन वाला पार्ट, और फ्लिप स्क्रीन वाला पार्ट, जो कैसे फ्लिप करना है, कहाँ पर जूम करना है, कौन सा पार्ट, मतलब एडिटिंग कैसे करनी है, अगर आपको ये सब चीज़ें सीखनी है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप जो है, बहुत सारे लोगों के कमेंट आए थे कि सर हम एक्सपोनियन मार्कर्स यूज़ करें या फिर लिक्विड चॉक मार्कर यूज़ करें, इनमें से कौन से मार्कर्स ज़्यादा बेटर होंगे इस तरह के लाइट बोर्ड के लेक्चर्स के लिए। बहुत से लोग कह रहे थे कि एक्सपोनियन मार्कर्स बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, देखिए जो मैं मार्कर यूज़ करता हूं, ना ही तो वो एक्सपोनियन है, ना ही वो लिक्विड चॉक है, और ना ही वो ड्राई इरेज मार्कर्स हैं। तो जो मेरे मार्कर्स हैं ये अलग डिफरेंट हैं, इनका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है और इनको वाइप करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बहुत सारे लोग ये बोल रहे थे कि सर
एक्सपोनियन मार्कर्स को रफ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और अभी आप जो स्क्रीन पर देख रहे होंगे, कुछ लोगों के मेरे पास कमेंट्स आए थे, क्वेरीज थी कि सर हमारा जो लाइट बोर्ड है वो इस तरह का हो गया है, पूरे स्मजेस आ गए हैं हमारे ग्लास के ऊपर, कुछ भी विजिबल नहीं हो रहा है। लाइट बंद करते हैं तो ये स्मजेस गायब हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही लाइट जलाते हैं तो ये पूरे स्मजेस ग्लास के ऊपर जो है दाग पूरे नज़र आने लगते हैं। तो वो एक्सपोनियन मार्कर्स यूज़ कर रहे थे वो लोग, एक्सपोनियन मार्कर्स मैं तो फिर अगर कुछ ऐसे रिजल्ट्स हैं तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। लिक्विड चॉक मार्कर्स को मैंने भी खुद यूज़ करके देखा है और वो बिल्कुल अच्छे नहीं है। उनमें क्या होता है कि आपको पहले उनको हिलाना पड़ेगा, फिर उसकी टिप प्रेस करनी पड़ेगी, उसके बाद उनमें से लिक्विड निकलेगा जो होता है चॉक लिक्विड वाला, उसके बाद आप उनसे लिख पाएंगे। तो ये मार्कर्स बिल्कुल भी यूज़ मैं रिकमेंड नहीं करूँगा आप लोगों को। हालांकि जो ये मेरे पास मार्कर्स हैं, मैं इनका नाम आपको ऐसे नहीं बता सकता क्योंकि ये थोड़ी सी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन टाइप है, उसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी आपको भी, क्योंकि मैंने भी बहुत मेहनत करके ये सब चीज़ें सेटअप की है। तो कुछ तो मतलब इनाम कह सकते हैं या गुरु दक्षिणा मुझे भी मिलनी चाहिए। चलिए बात करते हैं जो मेरे मार्कर्स हैं बहुत स्पेशल हैं, अगर आप इनके बारे में जानना चाहते हैं तो अगेन हमसे कॉन्टैक्ट करिए। उसके बाद बात आती है वाइपिंग प्रॉब्लम। सबसे कॉमन प्रॉब्लम जो लोगों की अभी तक सबसे ज़्यादा क्वेरीज आई कि सर हम इस लाइट बोर्ड पर लिखने के बाद जो है उसको मिटाते हैं तो वो आसानी से वाइप नहीं हो पाता, मिट नहीं पाता, और जो है उस पर अगर मिटाते भी लाइव क्लासेस अगर हम लेते हैं तो मगर मिट भी जाता है तो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है, मतलब इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है उसको साफ़ करने में कि हम उसको साफ़ करते ही रह जाएंगे लाइव क्लासेस के टाइम पर। तो मैं आपको दिखाता हूँ जो मेरे मार्कर्स हैं वो कितनी आसानी से साफ़ हो जाते हैं। लाइव डेमो मैं आपको दिखाता हूँ, ये लिखा हुआ टेक्स्ट है, मैं इसको ऐसे करूँगा और ये पूरा गायब हो जाएगा यहाँ से बिल्कुल एकदम से। उसके बाद में अगर मैं कुछ और मिटाना चाहूँ मैं आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर ये लिखा हुआ है, मैं इसको रफ़ करना चाहता हूँ, मेरे पास में सिंपल एक कपड़ा है, मैं इसको ऐसे घुमाऊँगा और ये पूरा मिट जाएगा, या इसको मैं मिटाना चाहूँगा ये ऐसे पूरा मिट जाएगा, मैं इसको मिटाना चाहूँगा ये पूरा ऐसे मिट जाएगा। तो ये कमाल है मेरे मार्कर्स का, मेरे पास ना ही तो एक्सपोनियन है, ना ही लिक्विड चॉक है और ना ही ड्राई इरेज मार्कर्स हैं। ये जो मेरे पास मार्कर्स हैं इसका नाम सॉरी मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन इसका वाइपिंग रिजल्ट इतना अच्छा है कि मुझे सिर्फ ऐसे करने की देर है और चॉक की तरह बहुत आसानी से ये पूरे मार्कर्स मिट जाते हैं। यहाँ तक कि मैं अगर लाइव लेक्चर्स लेना शुरू करूँ तो उसमें भी मुझे इसको वाइप करने में टाइम नहीं लगेगा, बहुत आसानी से मैं कुछ भी इसमें मिटा सकता हूँ। तो ये तो था रिजल्ट। देखिए कुछ लोगों के ये भी थे कि इस वजह से अभी आपको निशान दिख रहे होंगे, ये मैंने छोड़े हैं जानबूझ के ताकि आपको मैं बता सकूँ। इस तरह के जो निशान हैं वो बहुत कॉमन प्रॉब्लम होती है लाइट बोर्ड में, उनको कैसे साफ़ करना है उसका भी सॉल्यूशन है मेरे पास में। तो उन सब चीज़ों के लिए आपको थोड़ी सी गुरु दक्षिणा देनी पड़ेगी, खैर कोई बात नहीं। अगर आप चलिए कॉन्टैक्ट डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और अगर आप चाहते हैं इस तरह का लाइट बोर्ड परचेज करना दिल्ली एनसीआर रीजन में तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, बहुत रीजनेबल प्राइस पर आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और अगर आप खुद से बनाना चाहते हैं तो वो भी आपकी सहायता की जाएगी। खैर आज के वीडियो में इतना ही और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपके कोई और क्वेरीज हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू।